हाय, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर में मल्टीपल सीन्स की मदद से हम अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि मल्टीपल सीन्स को क्रिएट कैसे करना है, एंड देन इन सीन्स के बीच में हम स्विच कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको एक सीन से दूसरे सीन में जाना है तो वो कैसे करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब को करते हुए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब कि अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड भी होती रहे और हम एक सीन से दूसरे सीन में चले जाएं, वो भी बिना किसी हेडेक के। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IT पैराडाइम। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस फील्ड में काम करते हो जहाँ पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू से सीखते हैं। ओके, सो हियर इज़ माई कंप्यूटर स्क्रीन, लेट्स ओपन OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर एंड हियर इट इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीन वन है और इस सीन में मैंने सिर्फ एक सोर्स ऐड करके रखा है जो कि है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। अगर आपको भी सीखना है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड करें OBS में, तो आप मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट करिए, उसमें मैंने बारीकी से बताया है इसके बारे में। नाउ इस सीन वन में मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकूं। इसके लिए मैंने MS Word सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, इसी को हम लोग विंडो कैप्चर एज ए सोर्स ऐड करेंगे। सो गो टू OBS, क्लिक ऑन प्लस बटन, गो टू विंडो कैप्चर, क्लिक ऑन ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। सो ये हमारी MS Word की जो स्क्रीन है वो हमारे सामने आ चुकी है, जूम इन करके मैंने इसको फिट कर लिया है। तो अब हमारा सीन वन जो है रेडी है, इसमें हम चाहें तो माइक ऐड कर सकते हैं, स्पीकर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो सीन वन हमारा रेडी है, इस सीन में क्या क्या है, MS Word का विंडो कैप्चर है और नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है। अब बारी आती है नेक्स्ट सीन क्रिएट करने की, तो एक सीन क्रिएट करने के लिए हियर क्लिक ऑन प्लस एंड गिव अ नेम एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ इस पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एकदम ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। सीन वन का इस सीन टू में कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ सोर्स चाहिए और सोर्स के लिए मैं ऐड करूँगा यहाँ पे इमेज को। इमेज को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन ओके एंड अगेन ब्राउज द इमेज। यहाँ पे मैंने इस वीडियो के लिए एक इमेज तैयार करके रखी है, थोड़ी सी हेल्प होगी एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये देखिए मैंने ये इमेज बना के रखी है, YouTube का थोड़ा सा इंटरफेस कॉपी करने की कोशिश की है और ये हमारी वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, मतलब कि हम अपने चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इमेज में मैंने बीच वाली जगह को ब्लैंक छोड़ रखा है, यहीं पे हम अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं और हमारे चैनल का जो इंटरफेस है वो भी दिखा सकते हैं। तो सीन टू में मैंने ये ऐड कर दिया है। अब अगेन MS Word को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, विंडो कैप्चर, क्लिक ऑन ओके एंड अगेन ओके। नाउ इसको हमें फिट करना है, फिट करने के लिए जूम आउट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे क्रॉप करने की ज़रूरत है। क्रॉप करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करिए और इसको इधर से रिसाइज करने पर ये क्रॉप भी हो जाएगा और सही से हमारे स्क्रीन पे बैठ भी गया। तो अब देखिए हमारे सीन वन में क्या है, सीन वन में MS Word पूरी स्क्रीन में है और नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है। सीन टू में क्या है, सीन टू में YouTube का इंटरफेस है और MS Word की स्क्रीन भी है, तो दोनों चीज़, तो सीन वन एंड सीन टू, तो दो सीन को कैसे क्रिएट करना है अब आप सीख चुके हैं। अब बारी आती है कि रिकॉर्ड करते समय इनको एक सीन से दूसरे सीन में कैसे चेंज करें, क्योंकि मैनुअली करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं, सीन वन पे क्लिक किया, सीन टू पे क्लिक किया, तो ये मैनुअली तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, बार बार हमें यहाँ पे आना पड़ेगा इसे चेंज करने के लिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिकॉर्डिंग करते वक्त एक सीन से दूसरे सीन में ऑटोमेटिकली कैसे स्विच करें इजली। तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा, शॉर्टकट की पहले सेट करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए गो टू द सेटिंग्स, हियर इट इज सेटिंग्स, दिस इज सेटिंग डायलॉग बॉक्स, गो टू हॉट कीज और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आपको मिलेगा सीन वन, यू कैन सी हियर सीन वन, स्विच टू सीन। इस सीन में आने के लिए
मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है नम वन। मैंने नंबर पैड जो होता है साइड में कीबोर्ड के, उसका नंबर वन प्रेस करके रखा है, तो ये जो सीन वन है अपने आप एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी शॉर्टकट की रख सकते हैं, लाइक वी बी कंट्रोल। तो मैंने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको वन रख दिया, क्योंकि वन मतलब सीन वन भी हो जाएगा और ये वन की जो है यूज़ ज़्यादा होती नहीं है। वहीं पे नीचे आपको मिल जाएगा सीन टू। सीन टू पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक शॉर्टकट की आप लगा दें, तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ टू। नंबर वन जो है सीन वन पे जाने के लिए एंड नंबर टू सीन टू पे जाने के लिए। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई एंड हमारा काम यहाँ पे ख़त्म। अभी आप देखिए यहाँ पे सीन वन जो है एक्टिव है, और अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यही रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक सीन से दूसरे सीन पे जाने के लिए क्या करना है, मैंने शॉर्टकट की असाइन की है, तो मैं जैसे ही कीबोर्ड पे नंबर टू की प्रेस करूँगा अपने आप ये चेंज हो गया। देखिए मैं वन प्रेस करूँगा तो सीन वन पे चला जाऊँगा, सीन टू पे जाने के लिए टू पे प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते वक्त ही एक सीन से दूसरे सीन पे जा सकते हैं। लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो। सीन वन पे जाते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ और अपना थोड़ा सा काम करता हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। लेट मी टाइप हियर समथिंग। आई एम टाइपिंग आईटी पैराडाइम। अब मैं सीन टू में जाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी गो टू सीन टू। मैंने यहाँ पे टू पे चला गया है। अब मैं कुछ और लिखता हूँ। लेट मी राइट सब्सक्राइब। ओके, तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है मतलब इतना ही रखते हैं। वापस से OBS में जाके मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। इट इज़ टेकिंग टाइम। PC की स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी कम होने के कारण टाइम ज़्यादा लेता है। लेट मी सी रिकॉर्डिंग्स। आई थिंक दिस इज द वन। यहाँ पे आप देखिए शुरुआत में सिर्फ MS Word है और हमारा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है, और जैसे ही मैं यहाँ पे टू प्रेस करूँगा हमारा सीन जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा सीन जो है चेंज हो गया। इसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा होगा आपको, शायद इसलिए क्योंकि मेरे PC के स्पेक्स थोड़े से कम हैं। और देखिए सीन अपने आप चेंज हो गया है, और फिर से अगर मैं वन प्रेस करता तो मैं वापस से इस स्क्रीन पर आ जाता। So, जैसे ही मैंने टू प्रेस किया यहाँ पे टू टाइप भी हो गया है लेकिन सीन चेंज हो गया है। सो इस तरीके से हम मल्टीपल सीन्स को यूज़ करके अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स को, अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने व्यूवर्स को अपने कंटेंट की तरफ। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।